हुआ तब मैं आपको बोलती है, आप इसकी बात नहीं सुनो। हाँ ये तुम्हारी देवरानी है ना, आरोप कर रही है। साहब देवरानी है तो क्या हुआ, चोर एक नंबर की। देवा चोर किसको बोली तू? तेरे को बोली और किसको बोली? देखो साहब, देखो साहब, इसकी ना पहले से ही नजर थी मेरे गहनों पे। झूठ बोलकर मेरे को क्या फंसा रही है? साहब मैं आपको बोलती है, इसका जो पति है ना उसी ने चोरी की है। ए, सुनील के बारे में कुछ नहीं बोल। मैं को नहीं बोलू, मैं को नहीं बोलू, तू पूरी दुनिया पर उंगली उठा सकती है और मैं तेरे को कुछ नहीं बोलू। साहब सब कुछ दे दिया था इन लोगों को हमने, अब एक वो हार बचा था वो भी। तेरी ना, तेरी मचमच यहाँ कोई नहीं सुन रहा, समझे क्या? अपना ड्रामा ना, अपना ड्रामा तू बंद रख। ए तू ना बोल रही है, क्या नाम है? साहब मेरी कंप्लेंट, साहब सब झूठ बोल रहे, साहब सब ड्रामा है, साहब जो तू झूठ बोल रहा है कंप्लेंट है वो। साहब लियून गया, थैंक यू साहब। लिया तुम्हें कंप्लेंट, लिया तुम्हें। तुमसे नाम सांगा? मेरा नाम रंजना पाटिल है और ये मेरी देवरानी है साहब पूजा पाटिल, और इसने मेरा हार चुराया। मैं यहाँ ज्वेलरी शॉप में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हाँ हाँ बहुत सुंदर लग रही हो, काम करने जा रही हो या फिर मौज करने? काय मैं जा तो काम पर ही रही हूँ, पर क्या है ना दशहरे की वजह से थोड़ा तैयार होके जाना, कोई कमाए तो जाने। सुन तू ना, आज के दिन भी तुम लोगों की तू तू मैं मैं। चलो पूजा शुरू करो, पूजा शुरू करो, लाओ मैं ये। सुनील पूजा के लिए आइए। आई आई पुलिस रंजना पाटिल। तुम में से रंजना पाटिल कौन है? जी मैं हूँ, क्या हुआ? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, पूछताछ करनी है। जी अरे पर आप बताइए तो हुआ क्या है? चोरी। चोरी? तुम जिस दुकान में काम करती हो उसके मालिक के घर। लेकिन साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खुद एक गार्ड हूँ, मैं कैसे? फिर भी चोरी की? नहीं सर। तुम्हें चाबी दी थी ना मालिक ने बाहर गाँव जाने से पहले? अरे बाप रे सर भी आए आज? आज सुबह सुबह ही आई है। रंजना इधर आओ। मर गए। मेरे को तो लगता है आज इसको सॉलिड डांट पड़ने वाली। जी सर, जी सर। फैमिली और मैं भरगांव जा रहे हैं, ये हो घर की चाबी है, ये अपने पास रखना, और घर में पौधे हैं एक दिन छोड़ के पानी डालने का। जी जी ठीक है जी। पूरे घर में सिर्फ तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है, बताओ चोरी के 10 लाख कहाँ है? साहब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। मालिक ने तो इतने विश्वास से मुझे चाबी दी थी, मैं कैसे कर सकती हूँ साहब? और तुम्हारे घर वाले, उन्हें भी पता होगा कि तुम्हारे पास चाबी है? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरे पास चाबी है। हाँ, कुछ गार्ड लोगों को पता था। और ये तो बड़ी खुश लग रही है। और क्या? और कुछ नहीं साहब, मैं वही बोल रही हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। रंजना जो कुछ जानती हो सच सच बता दो, पता तो हम लगा ही ले, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुमने कुछ छुपाया है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। मैंने छोड़िए अब सब, मुझे सिर्फ नगद पैसे चाहिए थे, वो हैंडीकैप बूथ के लिए, इसलिए मैंने तेरा हार गिरवी रखा। मेरे से ऐसे नहीं होता, ऐसे रोज रोज घर पे बैठे रहना, और तू दिन रात काम करती है। मैं भी कमाना चाहता हूँ, तेरी मदद करना चाहता हूँ मैं। मेरे को पता है सुनील, पर आप टेंशन मत लो, मैं बोलती हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं ना नई नौकरी ढूंढ लूंगी, आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा अच्छे से, और फिर हमें ये हैंडीकैप बूथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? सर लगता नहीं कि रंजना इस चोरी में इन्वॉल्व है, जिससे भी पूछताछ की सभी ने उसके फेवर में बात की। और प्रमोद? सर उसका अब तक कोई पता नहीं चला। अच्छा वो जो चाबी टेस्टिंग के लिए लैब भेजी थी उसकी रिपोर्ट आई? सर लैब से बात हुई, रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। सर वो सुनील पटेल आया है, थोड़ा परेशान लग रहा है। देखिए सब प्लीज सर हमारी मदद करिए साहब, मेरी बीवी रंजू मतलब रंजना साहब 2 दिन से उसका कुछ आता पता नहीं है,
सर वहीने का कॉल भी स्विच ऑफ आ रहा है और उन्होंने कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। सर वहीने को ढूंढ दीजिए प्लीज। सर प्लीज, आखिरी बार कब देखा था रंजना को? घर में ही देखा था साहब, भाग गई होगी। उसने धमकी भी दी थी, बोल रही थी कि घर से भाग जाएगी और फिर देखेगी कि घर कैसे चलता है, स्वार्थी कहीं की। हाँ धमकी दी थी, लेकिन गुस्से में। झगड़े भले ही होते थे लेकिन बहनी अपनी जिम्मेदारी हमेशा पूरी करती थी और वो हम सबसे प्यार करती थी और खास करके सुनील दादा से। वो ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती, कुछ प्रॉब्लम है सर, आप उन्हें ढूंढिए। पहले विश्वास नहीं होता था साहब, घर के आदमी पे कौन छोड़ता है, पर अब तो ऐसा लगता है कि सर पूरे पैसे लेकर भाग गई होगी। भागी होगी उसी आदमी के साथ जो उसके साथ काम करता था, रोज छोड़ने आता था उसको साहब, वो हमारे परिवार का नाम खराब कर दिया। सर पड़ोसियों ने भी उसे 2 दिन पहले ही देखा। सर यहाँ का हाल, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि वो प्रमोद के साथ ही भागी, प्रमोद पैसे वैसे के साथ पहले निकल गया पर रंजना उसे कहीं जाती मिली हो। हाँ बोलो। ठीक है सर, एक लाश मिली। प्रमोद जहां एक तरफ पुलिस ने यह सोचा कि प्रमोद और रंजन को रिकवरी एजेंट्स जो घर पे आए थे उनसे स्कूटी की इंफॉर्मेशन मिली। सर उसका नंबर है और कलर रेड। स्कूटी का पता लगाना हो आसपास के सभी गैरेजों में पूछताछ करो कि क्या इस तरह की किसी स्कूटी का कलर बदला गया या फिर कोई रिपेयर वगैरह, खासकर पिछले महीने जब रंजना गायब हुई। सर लड़की को देखा है? नहीं सर। अच्छा उस लाल स्कूटी को देखा है, कुछ खबर है उसकी? मैं अपने नेटवर्क में पता करता है, जैसे पता चलेगा मैं आपको कॉल करता हूँ। नहीं साहब ऐसा कोई पेंडिंग जॉब आपने गैरेज में नहीं हुआ है। पर साहब एक स्कूटी मैंने रेड कलर से, एक औरत आई थी साहब उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था, वो रिपेयर कराने आई थी मेरे यहाँ। भैया ये देखिए ना, थोड़ा सा अर्जेंट है, स्कूटी नई नई मिली है, इसमें स्क्रैच आ गया, ये जा सकता है क्या? मैडम पक्का ये स्कूटी नया है? हाँ ऑफ कोर्स। तुम्हारे पास उस औरत का नाम या एड्रेस कुछ है? हाँ हाँ मैंने लिखा है सब, मैं अभी लिखा। हाँ सर, सर रंजना के केस में शायद एक लीड मिल गई है। अब उन लोगों ने कुछ नहीं किया साहब, उसने आने जाने का रास्ता खुद बदल दिया था साहब। और साहब वो जिधर काम करती थी ना वही आदमी उसको घर पे छोड़ता था। अब उन लोगों ने साहब उसके दुकान पे गया और साहब उसने उसने अपन लोगों को धमकी दी कि अगर इधर आएगा ना तो मैं पुलिस को बोल देगी। अपने साहब अपने पीछे गंदा छोड़ दिया, माँ का समझाओ के समझाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा सर मेरी स्कूटी का और इस औरत के गायब होने का क्या कनेक्शन है। मुझे तो ये स्कूटी गिफ्ट में मिली थी, मेरे मंगेतर ने मुझे गिफ्ट की है। क्या नाम है तुम्हारे मंगेतर का? नाम की बहन थी साली, तेरी पतक भी नहीं की। क्यों मारा? गीता के लिए साहब, मैं उसे प्यार करता था और शादी करना चाहता था साहब। मेरी बीवी सविता ने मेरी जिंदगी की वाट लगाई हुई थी और यहाँ पर गीता ने भी धमकी दी हुई थी कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए ना तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। बस इसीलिए मैंने रंजना से मदद मांगी। रंजू प्लीज देख मेरी बात समझ, देख गीता ना मुझे छोड़कर चली जाएगी, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। तुझे छोड़ ही देना चाहिए, अरे शर्म कर, तेरी बीवी है बच्चा है तेरा। फिर से कोई भाषण शुरू हो गया ना तेरा, तू जा रे। रंजू रंजू मेरी बात। और इधर गीता का प्रेशर बढ़ता जा रहा था,
इसलिए उस दिन मैंने सोचा कि रंजन से एक और बार बात कर देखता, इसलिए उस दिन मैं उसके पीछे गया था। तू तो बहुत पहुंची हुई निकली रंजू, मेरे को देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, और यहाँ यहाँ ये नई स्कूटी खरीद ली। ये स्कूटी मैंने अपने बचाव के लिए ली है। नौकरी तो चली गई ना तेरी, अब ये बता कि ये स्कूटी तेरे किस काम की? ये स्कूटी तू मुझे दे दे, मैं गीता को गिफ्ट कर दूंगा। तू पागल हो गया है? हाँ? मैंने अपने काम के लिए ली है ये। एक तो शादी होने के बाद भी किसी और के चक्कर में पड़ता है और ऊपर से बच्चों जैसे मुझे। दे देना रंजू। अच्छा मैं गीता को स्कूटी दूंगा ना तो वो कितनी खुश हो जाएगी। और मैं ये कह रहा था कि मैं धीरे धीरे करके तेरे सारे पैसे चुका दूंगा। तू पैसे चुकाएगा? चल जा, बढ़ाया पैसे चुकाएगा। रंजू चाबी क्या कर रहे? चाबी दे तू मुझे। मोहन ये क्या कर रहे? पागल हो गया क्या मोहन? तू मेरी बहन है ना, तो अपने भाई की मदद कर और ये चाबी मुझे दे। मोहन मेरा हाथ। चाबी दे रंजू। रंजू मेरी। मोहन रंजू निकम्मा। अपनी बहन को मार डाला, वो भी एक स्कूटी के लिए। तुझे क्या लगा था प्यार खरीद लेगा तू? हाँ अब तू जेल में सड़ेगा जिंदगी भर अकेला। अरे चलो या मेरी मैयत पे ही बाहर निकलोगी? अरे चलो जल्दी। चलिए जी। अरे कितना टाइम लगा थे तैयार होने में? गलती इसकी है जी, मैं तो कब से तैयार हूँ, 20 मिनट से सूट सेलेक्ट कर रही है। मम्मी जी चलो अपनी पकड़ पकड़ बंद करो, अभी मुझे मरीज भी देखने होते हैं, तुम्हारी तरह बेला नहीं बैठा हूँ मैं। चलो जल्दी आओ चलो। और तू किथे चली उड़िया मार दी? पापा जी इसके साथ। क्यों तू बॉडीगार्ड है उसकी, जो इसे कोई उठा के ले जाएगा जो तू साथ होगी तो? ओए फूटे भागो वाली, शुभ काम के लिए जा रहे हैं हम इसे साथ लेके, अगर तुझे साथ लेके जाएंगे तो बच्ची कुची शांति भी भंग हो जाएगी। पापा जी अब कब तक एक बात को लेकर बैठे रहेंगे? जब तक तेरी अर्थी नहीं निकल जाती इस घर से। चल जा अंदर। ओ तेरी ओ कौन खाएगा ये, कौन खाएगा? थोड़ा सा थोड़ा सा। अरे अच्छा पापा को फोन लगाए। हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? हाँ बाबा आ रहा हूँ बस 10 मिनट में। और हाँ सुनो खाना मत खाना। अरे मैं लेकर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है जल्दी आ जाओ। बस 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 यहाँ रुक दो। ये लो थैंक यू। पापा आ रहे हैं। पापा आ रहे हैं। थोड़ा चुका लो गुड़िया। अरे 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 अरे
सर, सर अजीत का एक पेशेंट मिला है, उसके पास में कुछ खास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, बुलाओ सर। ये बात अजीत की मौत से कुछ दिनों पहले की है सर। मैं अपने दोस्त के कहने पर उनके यहाँ दमे की दवाई लेने के लिए गया था। दवाई तो मिल गई थी सर, लेकिन दवा के पेट में जाते ही मेरी हालत बिगड़ने लगी। अरे क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? विजय, विजय क्या हुआ? देख संभाल, आराम से आराम से। कुछ मिलाया था इसमें क्या? मैंने कुछ नहीं मिलाया। संभाल इसे, संभाल। अरे इसे कुछ हो गया तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, समझा? वो और उनका कंपाउंडर दोनों मुझे उठाकर अपने एक जानने वाले डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि दवाई प्रॉपरली बनाई नहीं गई थी, कंपोजिशन में कुछ तो गड़बड़ था सर। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस दिन कंपाउंडर भी साथ था आपके? जी सर, वो दोनों ही मुझे साथ लेकर गए थे। झूठ बोला तूने। मार करो साहब। झूठ क्यों बोला? साहब मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। झूठ नहीं बोला तो सच भी नहीं बताया तूने। क्यों नहीं हमें बताया तूने कि एक बार दवा का कंपोजिशन गलत हो गया था, पेशेंट को हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ा, उसकी जान जाते जाते बची थी। तूने की थी ना वो गड़बड़, इसलिए हमारे बार बार पूछने पर भी तूने हमें नहीं बताया। बोल किसके कहने पर किया था तूने और क्यों? बोल। सरला के कहने पर। सरला के कहने पर? सरला और मेरे बीच में संबंध थे, सानी साहब के साथ वो नरक जैसी जिंदगी बिता रही थी, इसलिए हम करीब आ गए। उसने मुझे दवा के कंपोजिशन में गड़बड़ करने को कहा, इससे सारा इल्जाम सानी साहब के ऊपर आ जाता और उन्हें जेल हो जाती और उनका सारा पैसा हमें मिल जाता। सानी साहब को मिलावट का तुरंत पता चल गया था और उन्होंने सारी की सारी दवा फिकवा दी थी, इस तरह हमारा सारा प्लान चौपट हो गया था। जिसे तूने बाद में पूरा किया अजीत सानी को मारकर, लेकिन रेणुका को क्यों मारा तूने? मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ इस बारे में, लेकिन लेकिन क्या? मैंने उससे शादी की थी ये सोचकर कि डॉक्टर की बीवी बनने के बाद मुझे इज्जत और आराम मिलेगा, लेकिन नहीं, उसके साथ शादी करकर उस आदमी ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। जिसके चलते आप अपने पति के कंपाउंडर के करीब आ गए। हम ये भी जानते हैं कि आपने अपने अटैक का नाटक झूठा रचा था, आपके आशिक ने हमें सब बता दिया है। अश्मिता और नवीन दोनों बिना बुलाए मेरे घर पर आ गए, मेरे आके रहने लगे, जायदाद में हिस्सा मांगने लगे, तो मैं और क्या करती, मजबूरन मुझे वो नाटक करना पड़ा। आपने अपनी बड़ी बेटी रेणुका और अपने पति अजीत सानी को किसके साथ और कैसे मारा? रेणुका ने तो खुदकुशी की थी ना, और इनकी मौत तो दिल के दौरे की वजह से हुई थी ना। पहले हमें भी यही लगा था, पर हमें अब यकीन हो गया है कि उन दोनों का मर्डर किया गया। मर्डर? ये सरला की इंटरोगेशन से कुछ हाथ नहीं लगा है। कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला सर। मैंने रेणुका और सानी साहब का खून किया है, मुझे मेरा जुर्म कबूल है, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। ये बताओ ये कन्फेशन सडनली क्यों? मैंने मार्केट से कई लोगों से पैसा उठाया था ब्याज पे, और मैं उसे चुका नहीं पा रहा था, कर्जदारों ने जीना मुश्किल कर रखा था मेरा। उन्हीं में से किसी एक पार्टी ने मुझ पर हमला कराया था उस दिन, ये बात मैंने आपसे और मेरी पूरी फैमिली से छुपाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अश्मिता के पापा को एक और मौका मिले इसे टोकने का। सानी साहब के पास बहुत पैसे थे, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो अश्मिता को जायदाद में हिस्सा मिलता और उससे मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती, इसीलिए मैंने उन्हें मारने का फैसला किया। और मैं जानता था कि वो हर रोज़ मंदिर जाते हैं, जब वो मंदिर से बाहर निकले मैंने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया, लेकिन उन्हें रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया। लेकिन तुमने रेणुका को क्यों मारा? सर वो बहुत सीरियस हो गई थी मेरे और अपने रिश्ते को लेकर, और मेरे पीछे पड़ गई थी कि मैं अश्मिता को छोड़कर उससे शादी कर लूँ। मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो अश्मिता को सब कुछ बता देगी, तो मैंने उसे मैसेज करके मिलने बुला लिया डेठाला के पास। नवीन अश्मिता कहाँ है? रेणुका वो अश्मिता मैंने उसे नशीली दवा खिला के गाड़ी के नीचे कुचल दिया।
ताकि सबको ये लगे कि ये एक एक्सीडेंट केस था। अच्छा, जिस दवाई से तुमने रेणुका को बेहोश किया था उसका क्या नाम है? सर वो दवाई, उसका मुझे नाम याद नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुमने अजीत को कहाँ मारा था और कितने बजे? पार्क की तरफ, लगभग एक एक बजे। ले जाओ, चल। हर्ष, ये नवीन झूठ बोल रहा है। इसने ये कत्ल नहीं किया क्योंकि इसे ये भी नहीं पता कि रेणुका को बेहोश करने के लिए क्या यूज किया गया था। और रही बात अजीत के कत्ल की, तो उसकी मौत ना तो मंदिर में हुई थी ना पार्क में। उसकी मौत का टाइम भी 11 बजे के आसपास का था। तो फिर ये सब किया किसने? मैं जानता हूँ किसने किया। मैंने ही मारा है अजीत साहनी और रेणुका को, पर आपको ये कभी पता नहीं चलता। अगर नवीन ये सब नहीं करता। हमें पहले से ही यकीन था कि ये मर्डर तुमने ही किए हैं, और ये भी कि इस मर्डर में तुम अकेली नहीं हो। कौन था तुम्हारे साथ? नवीन के दोस्त विक्की और सनी। लेकिन अपने ही पिता और बहन का मर्डर क्यों किया तुमने? पैसों के लिए? पैसे? दुनिया के सारे पैसे भी मिला लो ना सर, तो वो घाव नहीं भर पाएंगे जो मेरे पापा जी और मेरी बहन ने मुझे दिया। कैसा घाव? क्या किया था उन्होंने तुम्हारे साथ? तब मैं सिर्फ 11 साल की थी। मुझे डांस का बहुत शौक था। पापा जी मना करते थे लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं पाती थी खुद को। दीदी थी वहां, वो भी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी बड़ी थी वो मुझसे, मुझे बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस बात को तो कई साल बीत गए, फिर बदला इतने साल बाद? क्योंकि मैंने जिंदगी भर अपने आप को रोक के रखा था। अपने पापा जी की करनी की सजा नहीं देना चाहती थी उन्हें, पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरे सब्र के सारे बांध टूट। ऐसा क्या हुआ? हमें पैसे की बहुत जरूरत रहती थी सर। नवीन के पास कोई पक्का काम नहीं था, टेम्प्रेरी जॉब थी, उसी बीच हमारी बेटी भी हो गई। नवीन के ऊपर बहुत कर्जा बढ़ गया, लेनदारों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। उन हालातों में अपने पापा जी के आगे हाथ फैलाने पड़े। बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरी छोटी सी बच्ची है। पापा जी, मम्मी जी, आपको भी मेरी हालत देख के तरस नहीं आ रहा, कुछ तो बोलिए। दीदी, तुझे तो बड़ी अकड़ थी ना अपने पति पर और अपने लिए हुए फैसले पर। उनकी होया आना पड़ा ना मेरे पास भीख मांगने के लिए, तो वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाया तेरा वो नवीन। उस दिन मेरे सब्र के सारे बांध टूट गए। पापा जी से तो मैं बचपन से ही नफरत करती थी, उस दिन मम्मी जी और दीदी से भी नफरत हो गई। दूसरी बार धोखा दिया था उन्होंने मुझे, इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया कि अब मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। और मैंने मार दिया। बड़ी शांति मिली उन्हें अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरता हुआ देखने में। अगर ऐसा था तो तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? वो भी तो रेणुका की तरह खामोश थी। सही मौका देखकर अगली बारी उन्हीं की थी, उन्हें भी मार डालती हूँ। लेकिन नवीन ने क्या? पापा। क्या हुआ? क्या अंधेरे से डरने की क्या बात है? मैं हूं ना, है? देखो तुम तो इतने कम समय की अंधेरे से ही डर गई। तुम्हारे पापा ने तो कभी उजाला देखा ही नहीं। रुक जा। पकड़ लिया। पायल कभी हाथ भी बटा लिया कर, दिन भर खेलती रहती है। थोड़ा सा खेल कर आती हूँ दीदी इनके साथ। जल्दी आ। धक्का किसने मारा? मैं जानता हूँ तुम लोगों में से ही किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। देख नहीं सकता हूँ लेकिन महसूस कर सकता हूँ कि किसके दिल में क्या छिपा है। बेटा ऐसा क्यों कह रहा है? तुझे मारने की कौन सोचेगा? सुनिए, शांत हो जाइए। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सजा सजा तो मिल के रहेगी।
आपके घर का दरवाजा खुला था? मेन दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है, लेकिन आज पता नहीं कैसे पीछे का दरवाजा खुला रह गया। लगता है चोर को पहले से पता था कि कीमती सामान और पैसे कहाँ रखे हैं। राइट सर। सर दरवाजा। सर कोई भी फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। आसपास के एरिया में पूछताछ करो, शायद किसी ने किसी अनजान आदमी को हाल फिलहाल में देखा हो। और हाँ, घर से चोरी हुए सामान की लिस्ट बनवाओ और जैसे ही नरेश को होश आता है उसका स्टेटमेंट लेते हैं। सर इसे कहते हैं इंसाफ। कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती। दूसरों के घर में झांकने वाले अक्सर अपना ही घर लुटा बैठते। जो हुआ सो हुआ, हमें ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। आप हमें हमलावर के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसकी शक्ल देखी थी आपने? नहीं, उसकी शक्ल नहीं देख पाए हम। हाँ, उसकी हाइट हमारी जितनी थी और दुबला पतला था। बस इतना याद है कि जब हम उसे पकड़ने गए तो छीना झपटी में उसने हमें चाकू मार दिया। कोई और बात आपको याद आ रही हो तो? सर गलती से मैंने सूर्या के घर के बाहर फोन पे कह दिया था कि 30 लाख रुपए घर में पड़े हैं। पैसे की लत है सर बस। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा आएंगे। स्केच भेज देना मेरे फोन पे। ठीक है। क्या लगता है इस नरेश के बारे? सर काफी कंफ्यूजन है। सर कल रात को एक रिक्शा वाला ने इसके घर की तरफ से किसी को भागते हुए देखा। ये स्केच आया सर उसका। इतनी रात को घर के बाहर क्या कर रहे थे लेक्चरर साहब? कुछ नहीं सर, हमें रात को नींद नहीं आ रही थी इसलिए हम वॉक करने गए थे और हमें पता चला कि नरेश भाई पर अटैक हुआ है, वो घर पे चोरी भी। हम सर सीधे अपने घर भाग गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम चोरी करके भाग रहे थे और फिर वो ज्वेलरी और पैसे तुमने कहीं छुपा दिए ताकि किसी को कोई शक ना हो। नहीं सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? वो सर किसी ने हमें अगर देख लिया है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हमने नरेश भाई पर अटैक किया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे इसकी बात पे कतई भरोसा नहीं। रात के 2 बजे कोई वॉक करने निकलता है, इसका सारा कच्चा चिट्ठा निकालो। सरकार मालिश का टाइम हो गया है। आजा अंदर आजा और दरवाजा बंद कर दे। ठीक। अब शर्ट उतारिए अपनी। तू शर्ट उतार। सरकार आप उतारिए शर्ट। मैंने कहा तू शर्ट उतार। हम कहा है? उतार उतार उतार। सरकार तुम्हारे घर का चूल्हा मेरी वजह से जलता है और तुम मेरी जिंदगी में आग लगाने चले हो। सरकार हमसे गलती हो गई। सरकार सर, सूर्य को असॉल्ट के केस में अंदर कर दिया है। पता नहीं किस तरह का आदमी है ये सूर्य। सर हमारे भाई सूर्य को छोड़ दीजिए। ये रहे उनके बेल के पेपर। सूर्य आज तो तुम्हारे भाई देवांश ने तुम्हारी बेल करवा दी, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ बेइंसाफी तो पुरानी बात है पर अनु की मौत को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। चलिए भैया चलिए। सर
मुझे तो लगता है इन्हीं की फैमिली में से कोई इन्वॉल्व है। सारे घर वालों पे नजर रखो। इनकी बिटिया मम्मी की याद आ रही है, हम सबको याद आ रही है मम्मी की तेरी। और इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी बिटिया खाना नहीं खाएगी हाँ? अच्छा बालूशाही मंगा दो क्या बिटिया के लिए हाँ? पहले खाना फिर बालूशाही। पिंकी पहले हमारे हाथ से खाना खाएगी है ना गुड़िया। तुम्हारे अंदर अपनी माँ को देख रही ठीक है ओके। सर नरेश के घर से जो ज्वेलरी चोरी हुई थी उसमें से एक पीस किसी ने बेचने की कोशिश की हाजियापुर के ज्वेलरी शॉप में। जो लड़का बेचने गया था सर वो आइडेंटिफाई तो नहीं हुआ लेकिन शॉपकीपर की मदद से हमने उसका स्केच बनवा लिया। ये देखिए सर ये वो लड़का। ठीक है इसे सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और शहर के मेजर एरियाज में इसके पोस्टर लगवाओ। सर फैमिली को हटाओ यहां से चेक करो अच्छी तरह साइड हटिया सीधा करो। सर लगता है इसको जहर देकर मारा गया। बॉडी पे कोई इंजरी मार्क नहीं है। सूर्या अपने घर के छत पे मरा पड़ा है सर। सर कोई स्ट्रगल का निशान भी नहीं है। सर मुझे तो पक्का यकीन है कि जहर इसके घर वालों में से किसी ने दिया है। ये सूर्या छत पे क्या करने आया था बोलिए। सर हम कुछ नहीं जानते सर। हमें बस इतना पता है कि माँ जब ऊपर आई तो उन्होंने भैया को यहाँ पर देखा। पांडे सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। शायद टॉक्सिकोलॉजी से पता चले कि जहर कैसे दिया गया था। सर वेरी गुड मुझे इन्फॉर्म करते रहना। सर सर एक इंटरेस्टिंग बात मालूम पड़ी है देवांश के बारे में। जब मैं देवांश के बारे में डिटेल्स निकाल रहा था तो मालूम पड़ा कि ये लड़का उसका स्टूडेंट है। ये तो वही लड़का है जिसका स्केच ज्वेलरी शॉप वाले ने बनवाया था। जी सर इसका नाम चंदू है। और जब मैंने देवांश के कॉल डिटेल्स निकाले तो मैंने ये देखा कि चंदू और देवांश में रिसेंटली काफी टाइम बात हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्या सच बोल रहा था कि ये प्लान उसका मर्डर करने के लिए बनाया गया था लेकिन किलर ने गलती से अनु को मार दिया। जो कोई भी था मुझे मारने आया था इंस्पेक्टर साहब। मेरी अनु से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। और इस बार वो सक्सेसफुल रहा। एक काम करो इस देवांश को उठा के लाओ। सर चंदू से हम रेगुलरली मिलते थे और उससे फोन पर बात भी करते थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ चंदू तुम पिछले दो हफ्तों से कॉलेज नहीं है। ओ सर सर वो घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम हो गई थी तो कॉलेज को इन्फॉर्म करना चाहिए ना। सर मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता सो प्लीज लेट मी गो। बड़ी अजीब बात है एक आदमी जो सस्पेक्ट है चोरी का और मर्डर का वो भी तुम्हारे अपने भाई का। तुम उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए गए थे। ये भी तो हो सकता है कि तुम अपने भाई का मर्डर प्लान करने के लिए मिले हो। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बात तो यह है कि हमने अपने सूर्या भैया को एक शरीफ इंसान से एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर में बदलते देखा है इसलिए हम चंदू की मदद करने की कोशिश कर रहे थे कि समाज में कोई दूसरा सूर्या पैदा ना हो। और जो एक सूर्या था उसे बुझा दिया क्यों। नहीं सर हम सच कह रहे हैं। जब तक हम तुम्हारी स्टोरी वेरीफाई नहीं कर लेते तुम हमारे मेहमान बन के रहोगे। पापा को मैंने ही ऊपर बुलाया था उन्होंने मेरी मम्मी को मारा ना इसलिए मुझे उनका इंसाफ करना था। मेरी बेटी ने बालूशाही नहीं खाई अभी तक। आपने नहीं खाई तो मैंने भी नहीं खाई। अगर मेरी बेटी अपने हाथों से खिलाएगी मैं तो तभी खाऊंगा बालूशाही। ठीक है पापा। लेकिन बेटा आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पापा ने आपकी मम्मी को मारा है। मुझे
चाची ने बताया था। उन्होंने मुझसे कहा कि ये मिठाई पापा को खिला देना इंसाफ करने के लिए। हाँ, मैंने ही उकसाया था पिंकी को। मैंने ही उस मालिश वाले को पैसा खिलाकर जेठ जी को छत से फिकवा दिया। लेकिन वो बच गए। फिर मुझे दोबारा मौका मिला जब अनु का खून में बहुत इंसाफ बांट देते ना, मैंने उन्हीं के बेटी से उनको इंसाफ दिला दिया। बालूशाही, ये क्या है? बेटा ये दवाई है। अगर पापा को इंसाफ दिलाना है ना, ये बालूशाही ले जाके पापा को खिला दो। पापा ने मामा को मारा था ना, उनको ऐसे इंसाफ मिल जाएगा। ठीक है चाची। लेकिन वो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पति तक से झगड़ते थे। हाँ झगड़ते थे, लेकिन साथ ही साथ मेरे पति को बेइज्जत भी तो होना पड़ता था। चंद रुपयों के लिए हम अपने ही नजर में गिर चुके थे। मैं मां नहीं बन सकती बिना इलाज। मुझे पैसों की जरूरत थी। और फिर मैंने सोचा कि अगर जेठ जी मर जाएंगे तो मेरे पति आलोक घर के वारिस हो जाएंगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि इंसाफ मैं करूंगी। देखो खाली मैंने बालूशाही, अब मेरी बेटी नीचे जाके पढ़ाई करेगी। ठीक है भी। जेठ जी के कारण घर के सारे लोग परेशान हो चुके थे उनके तानेशाही से। सबकी जिंदगी नरक बना दी थी उन्होंने। तुम्हारी जिंदगी उन्हें नरक बना दी थी, लेकिन तुमने क्या किया? एक छोटी सी बच्ची के हाथों उसके बाप की जान ले ली, उसको खुद के हाथों से अनाथ कर दिया। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।